अल्लाम दोस्तों गायस आपने लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ा था कि कभी भी किसी अजनबी पर भरोसा ना करें तो ये रेडिंग प्रैक्टिस इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ये पार्ट टू है ठीक है उसी उनवान का जिसका था अजनबी पर कभी भरोसा ना करें ठीक है तो गायस शुरू करते हैं अपना काम यह है अलिफ ठीक और यह बड़ी एलिफ बड़ी ये जर ए और यहाँ से यहाँ तक काफ हो गया एक यह दालजर दी और ये नून दिन यह आयन आयन और अलिफ ज़बर आ ये हमज़ा के लिए ये शोशा निकाला है आई और शीन और छोटी है ज़बर शाह आय शाह आई शाह ठीक है दोस्तों इन सभी के जो शॉर्ट फॉर्म है उसका पीडीएफ मैंने डाउनलोड करने के लिए शेयर किया हुआ है कम्युनिटी पोस्ट पे आप वहाँ से भी देख सकते हैं ठीक है और इसका पीडीएफ है ना इसका भी पीडीएफ जो कहानी हम पढ़ रहे हैं इसकी पी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप डाउनलोड कर सकते हैं आप प्रिंट आउट करा के प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है अलिफ वाव जबर अ और ये रे और आयन आयन है आयन की आवाज़ आ लेकिन पेश लगाएंगे तो और मीम जबर म और रे मर उमर अलिफ जर ई और ये सीन इस काफ वाओ तो हमें क्यों नहीं पढ़ना है कू पढ़ना है तो का पे पेश वा पे उल्टा पेश हो गया स्कूल और ये लाम की आवाज लॉ जैसी तो हो गया स्कूल ठीक है उसके बाद सीन और बड़ी जेर से ठीक उसके बाद अलिफ जबर वाह और पे जबर प और ये सीन वापस अलिफ मद आ रे रा छोटी है और बड़ी ये ज़र आ रा हे ठीक ते है दो नुकते हैं ते के यानी शॉर्ट फॉर्म है ते का और दो चश्मी है तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि ते दो चश्मी था होता है और बड़ी ये का साथ हो गया जे लगा के थे ठीक है ये फुल शॉप है उर्दू वाला ठीक यह रे और अलिफ जवर रा और ये सीन रास ते और बड़ी ते रास्ते मीम बड़ी मे और ना मेअ पेशऊ और नून उन छोटी है और बड़ी है नून गन्ना मिलाएंगे तब होगा ये उन्हें अलिफ और बड़ी ये ए यहाँ से यहां तक काफ है तो हो गया एक ठीक है जबर आ यानी आ कहने के लिए भी जबर चाहिए है ना हालांकि इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है कि यहाँ जबर है आ आयन जबर आ जीम और छोटी ये जेर जी अजी और ये बे मिला देंगे तो हो जाएगा अजीब ठीक कोई दिक्कत नहीं है अलिफ है और मद है तो हो गया आ दाल आद मीम छोटी है मी आद मी मीम जर मी लाम और अलिफ जबर ला मिला यह है जीम जर जी और ये सीन जिस नून और बड़ी जर ने और सीन मुस का और रे और अलफ जबर्राह मुस्कुरा ते है और बड़ी जर ते मुस्कुरा ते ठीक है छोटी पे पेश वाप उल्टा पेश तब हुआ ये हु। हमज़ा और बड़ी ये ए ठीक है इस तरीके से मिला देंगे का जबर कौ छोटी है ज़बर हो और अलिफ कहा कोमा है ये इन्वर्टेड कोमा है ये देखिए इस तरह से लाइन है नीचे एक नुकता है तो ये बे हो गया बे जबर ब और चे बच्चे फिर चे चो बच्चो यानी इस चे पे तजदीद भी है ठीक है चे को हम बे के साथ भी पढ़ते हैं यहाँ पढ़ते हैं और चे के, साथ के साथ भी पढ़ते हैं बच्च फिर चो बच्चो ये कॉमा है मीम बड़ी यजर मे रे और बड़ी यजर रे मेरे ये देखिए पे है तीन नुकते हैं यहाँ है ना थोड़ा मिक्स हो गया ये ते और ये पे तो पे और जबर पा और ये सीन पास ठीक कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद देखिए ते पे पेश है और मीम तुम छोटी है और अलिफ जबर हा तुम हा रे और बड़ी ये जरे तुम्हारे लाम और छोटी ये ली फिर बड़ी ये लिए ठीक है टे अलिफ जबर फे पे जेर है टाफी ये अलिफ जबर या टाफिया नून वनना लिया तो हो गया टाफिया छोटी है और बड़ी ये जबर है और ये नून वना हो गया है ये है फुल स्टॉप अलिफ जबर अ गाव जबर गो और ये रे अगर पर पे पेश और ये मीम तुम मीम और बड़ी एजर मे और रे है ये फिर बड़ी एजर रे मेरे तो यहाँ पे फुल स्टॉप सॉरी यहाँ पे फुल फॉर्म में बड़ी ये है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बड़ी ये है ठीक है और मैं बता चुका हूँ कई मरतबा जैसा कि आप देखते चले आ रहे हैं रीडिंग प्रैक्टिस की वीडियो के छोटी और बड़ी का शॉर्ट फॉर्म एक जैसे ही होता है बस हमें कॉमन सेंस यूज करना है जैसे मीम बड़ी ये में होगा जेर के साथ लेकिन मी छोटी ये मी हो जाएगा मी रे मेरे तो यहाँ कॉमन सेंस आपका कह देगा कि मेरे वर्ड होता है मीरे वर्ड नहीं होता ठीक सीन और अलिफ जबर सा ते दो चश्मे चे जबर च लाम वापिस लो चलो ठीक है यह है गाफ इतना शॉर्ट फॉर्म और फिर बड़ी ये गाफ बड़ी ये जेर गे ते के दोनों नुकता ते वापस तो मीम बड़ी जर में और नून गुन्ना में लेकिन मीम बड़ी जबर मै और नून गुन्ना मैं अब देखिए ते पे पेश है और मीम तुम छोटी है और बड़ी ये जर है तुम है और नून गुन्ना मिला दिया तो ए आवाज आती है नून गुनने की वजह से तो हो गया तुम है अलिफ और आओ और ये रे और ठीक है ना यह बे दो चश्मी है भ और छोटी ये भी खे पे पेश वा पे उल्टा पेश तो होगा ये खूब और ये बे तब हुआ ये खूब यहाँ तक स्वाद पे पेश वा पे उल्टा पेश क्योंकि हम उल्टा में लगा रहे हैं वहाँ पे सू खींचना है हमें है ना खूब सू रे जबर्र और तेरत खूबसूरत तेह है दोनों ऊपर और फिर बड़ी है तह तो ये जबर तह हालांकि तह पढ़ते हैं लेकिन तह लिखा है तह फे और बड़ी ये फे तह फे दाल वाव दाल पे पेश बोलते पेश दू और ये नून वन हो गया दू ये गाफ और अलिफ जबर गा दूंगा ठीक है इस तरीके से गाइस देखा आपने ये रीडिंग प्रैक्टिस कंप्लीट हुई अब इसको हम रवानी से पढ़ते हैं ठीक है एक दिन आयशा और उमर स्कूल से वापस आ रहे थे रास्ते में उन्हें एक अजीब आदमी मिला जिसने मुस्कुराते हुए कहा बच्चों मेरे पास तुम्हारे लिए टाफियां हैं टाफियां वही जो यू नो जानते हैं आप टॉफ़ी वगैरह खाना चॉकलेट अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें और भी खूबसूरत तोहफे दूंगा तो दोस्तों ये थी कहानी यू नो रीडिंग प्रैक्टिस की और इसी तरीके से जो भी इस तरीके से बहुत सारी वीडियो हैं आई थिंक मोर देन 178 सेवेंटी एट वन सेवेंटी वन एटी के आसपास तो प्लेलिस्ट से देखें और सारी वीडियो देखें है ना 200 वीडियो अगर आपने देख ली वाकई में तो आपको उर्दू रीडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता ठीक है चलिए फिर मिलते हैं बबाई ठीक है खुदा हाफिज ये मैसेज सुन लीजिए उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुँचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए चलिए फिर मिलते हैं आपसे हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात तब तक खुश रहें आबाद रहें बाय टेक केयर